नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम से सिद्धांत आज महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है शिक्षण सूत्र। दोस्तों ये शिक्षण अधिगम से संबंधित जो हमारा सीटेट होता है, टेट होता है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूत्रों से संबंधित निश्चित एक दो क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारा सीटेट का एग्जाम भी लगभग करीब की ओर है और आने वाला है, इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, मैं आपको संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा और आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण सूत्र की, कि शिक्षण सूत्र है क्या। सबसे पहले शिक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शिक्षण क्या होता है दोस्तों, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम शिक्षण है। यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है, शिक्षण है। ये बात हो गई शिक्षण के लिए। अब बात करते हैं सूत्र की। अगर बात हम मैथ में आ जाए तो मैथ में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि सूत्र के सहारे से कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नामक सब्जेक्ट पे जाएं तो वहां शिक्षण सूत्र से मतलब हो जाता है ऐसी विधि या ऐसी प्रविधि या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु जो किसी पढ़ाई को या कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना देते हैं या बहुत ही आसान बना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है या शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं और प्रत्येक के बारे में बताऊंगा। एक है हमारा देखिए सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। देखिए ये सूत्र दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों, ये सूत्र कहता है कि अगर हम किसी भी विषय को या किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ाते समय हमें सरल प्रक्रियाएं बताना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल शब्दों में बताना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे जटिलता की ओर हमें जाना चाहिए, तभी ये हमारा जो शिक्षण है बहुत प्रभावी होगा और बहुत अच्छी तरह से जो पाठक हैं उनके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी यह सूत्र ये कहता है कि पहले बच्चे को सरल रूप से बताया जाए, पहले सरल तरह से बताया जाए ताकि वो बच्चा सीख सके, समझ सके। दूसरा हो जाता है दोस्तों हमारा, देखिए ये आप समझ गए। दूसरा है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी यह हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए दूसरा सूत्र दोस्तों हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले पढ़ाते समय, सबसे पहले शिक्षण करते समय क्या करना चाहिए दोस्तों, जो वस्तु हमें ज्ञात है, जिनके बारे में हमें जानकारी है, उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, उसके बाद हमें धीरे धीरे उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उनके बारे में धीरे धीरे बताना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें ज्ञात वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए क्योंकि ज्ञात वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उससे रिलेटेड उससे लिंक करते हुए हमें अज्ञात की ओर जाना चाहिए, अज्ञातता की ओर जाना चाहिए और तभी जो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तभी हम अच्छे बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और बच्चे को जो समझा सकते हैं। तीसरा हो गया अब दोस्तों हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये क्या है दोस्तों, देखिए स्थूल क्या है, इसका स्थूल से मतलब होता है बड़े से। यानी पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर से मतलब होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को पढ़ाते समय सबसे पहले हमें बड़ी चीज के बारे में बताना चाहिए, विस्तृत चीज के बारे में बताना चाहिए या बड़े आकार वाली वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें सूक्ष्म यानी छोटी वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे बड़ी चीज को एकदम स्पष्टता से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें होती हैं, जो सूक्ष्म बातें होती हैं, उनके बारे में बच्चा एकदम नहीं समझ पाता।
तो इसलिए सबसे पहले हमें स्थूल यानी मोटी वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए और उसके बाद हमें सूक्ष्म यानी जो बहुत छोटी वस्तुएं होती है उनके बारे में बताना चाहिए। ये सूत्र हो गया दोस्तों। फिर है दोस्तों हमारा अगला सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। क्या है? पूर्ण से अंश की ओर। और दोस्तों इस वाले सूत्र को गेस्टाल्ट सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्ट पूछ लेता है, गेस्टाल्ट सूत्र। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए पूर्ण से अंश की ओर यानी ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि दोस्तों किसी भी वस्तु के बारे में सबसे पहले हमें पूर्ण वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। शिक्षण करते समय, पढ़ाते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पहले जो वस्तुएं पूर्ण होती हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उसके पार्टों के बारे में बताना चाहिए, उसके अंशों के बारे में बताना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मान लो हम किसी वस्तु के बारे में, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम खाट के बारे में पढ़ा रहे हैं मान लो, तो सबसे पहले हमें खाट के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि खाट पूरी है, पूरी बनी हुई है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खाट किस किस चीज से बनी है, क्या क्या उसमें मतलब पार्ट लगे हुए हैं, उन्हें जो बताएंगे वो हो जाएगा हमारा अंश की ओर। यानी हम सबसे पहले पूर्ण वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि पूर्ण कौन सी होती हैं। देखिए पूर्ण को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अंश की तरफ जाएंगे, तभी ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से हमसे समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, हमारा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पांचवा हमारा विश्लेषण से देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ये सूत्र ये कहता है देखिए कोई वस्तु है अगर उस वस्तु को हम उसका मतलब एक कह सकते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, एक बंधी हुई रूप में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका अध्ययन सरल रहेगा। लेकिन उसी वस्तुओं के पार्ट को तोड़ने के बाद यदि उसका अध्ययन किया जाए तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि सबसे पहले देखिए किसी वस्तु को बताने से पहले उसका जो पूर्णता होती है उसके बारे में बताया जाए, उसके बाद उसके पार्टों में बताया जाए। इस तरह से सरल मतलब सरल तरीके से वो सीख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे पहले हम या तो फिर पार्ट इतने सरल तरह से बना दें कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ सके और उसके बाद धीरे धीरे हम उसे पूर्ण बनाने के बाद उसके बारे में समझाएं। ठीक है, यानी पूर्ण बनाने के बाद में उसे समझाएं। तो ये वाला जो सूत्र है ये क्या कहलाता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहलाता है। अब देखिए अगला सूत्र है दोस्तों हमारा मनोवैज्ञानिक क्रम की ओर। देखिए ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ये सूत्र हमारा ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक प्रविधि होती है मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें जानना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, शिक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम से संबंधित क्या कहते हैं, सिखाने की प्रक्रिया को किस तरह से सरल ढंग से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें मनोवैज्ञानिक जो प्रविधियां उनका प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हमें तार्किक क्रम की तरफ जाना चाहिए। तर्क किस तरह से, जैसे कि मैथ की बात कर लो, जैसे हम पूछते हैं सवाल वगैरह ये सब, तो तर्क की ओर जाना चाहिए पहले हमें, जो मनोवैज्ञानिक क्रम की तरफ ध्यान देना होगा तभी जो ये शिक्षण प्रक्रिया सरल होगी। इसके बाद दोस्तों अनिश्चित से निश्चित की ओर। निश्चित की ओर देखिए दोस्तों पहले हमें ऐसी वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जो अनिश्चित है, इनका कोई आकार नहीं है, जो हमें दिखाई तो दे रही है लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उनके बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो बड़ी होती हैं और बड़ी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद जो निश्चित आकार वाली वस्तुएं उनकी तरफ हमें धीरे धीरे ले जाना चाहिए, इससे बहुत बहुत जल्दी तरह से बहुत अच्छी तरह से बच्चा सीख सकता है। तो ये भी शिक्षण सूत्र है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आता हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रत्यक्ष कहते हैं जो वस्तु हमारे सम्मुख है, अप्रत्यक्ष जो हमारे सम्मुख नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, पढ़ाते समय पहले हमें उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जो कि हमारे सामने हैं, क्योंकि उनसे हम पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं, उनसे बच्चा पूरी तरह से परिचित हो जाता है, जागरूक होता था, उनके बारे में जान जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष वाली वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए और धीरे धीरे उन वस्तुओं के बारे में बाद में बताना चाहिए जो कि हमारे सम्मुख नहीं है, हमारे सामने नहीं है, जिन्हें हम पहचानते नहीं, जिन्हें हम जानते नहीं। ठीक है, तो ये सूत्र इसी बात को कहता है। फिर है दोस्तों हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, देखिए इधर लिख लेते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नहीं, ये इसे लिखेंगे, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे आगमन सूत्र के नाम, आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये आगमन विधि पर आधारित है भाई, आगमन विधि पर आधारित है ये। तो ये क्या है दोस्तों, से कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में पहले हमें सामान्य जानकारी देनी चाहिए, सामान्य जानकारी के बारे में अवगत कराना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें विशिष्टता की ओर जाना चाहिए, विशिष्ट वस्तुओं के बारे में जाना चाहिए, विशिष्ट नॉलेज के बारे में जाना चाहिए। इसी तरह से मतलब आगे बहुत अच्छी तरह से हमारा शिक्षण जो है वो प्रभावी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है आगमन विधि पर आधारित है भाई, ये दो विधि है, आगमन और निगमन। तो ये आगमन विधि में क्या, पहले एग्जाम्पल बताया जाता है उसके बाद समझाया जाता है, निगमन विधि में पहले पहले बता दिया जाता है बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, एक दूसरे की उल्टी है। फिर आता हमारा दसवां सूत्र है भाई दोस्तों, प्रकृति का अनुकरण। देखिए ये क्या कहता है दोस्तों, जो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है, जो प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं दोस्तों कि प्रकृति बच्चे को स्वयं सिखा देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी उसे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, एंड नेचुरल रूप से जो प्रकृति है उसे स्वतः ही सिखा देगी, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो प्रकृति का हमें अनुसरण ही करना चाहिए। रूसो एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है भाई, शिक्षा शास्त्री भी हैं रूसो, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति से प्राप्त हर एक वस्तु सुंदर होती है, और वो अस्वच्छ या असुंदर या कह सकते हैं कुरूप, वो तब हो जाती है जब वह मानव के हाथों में आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रकृति का अनुकरण करें तो ऑटोमेटिक ही हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि प्रकृति ही मतलब सब कुछ है। कह सकता हूं भाई, मैं खुद अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि नेचर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द गॉड, यानी भगवान का अगर रूप है दूसरा तो क्या है, वो प्रकृति ही है। ठीक है, यानी प्रकृति ही भगवान है, ऐसा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिखाना, आपको पढ़ाना, तो आप प्रकृति में किसी बच्चे को यानी छोड़ दीजिए, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप सीख जाएगा। और देखिए हमारा है स्वाध्याय को, प्रोत्साहन। इससे क्या हो गया मतलब दोस्तों, इससे मतलब ये हो गया कि स्वाध्याय माने खुद, स्वाध्याय खुद अपने आप पढ़ना को प्रोत्साहन, यानी हमें मतलब खुद पढ़ने पर जोर देना चाहिए, हमें बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, इस तरह से बताना चाहिए ताकि वो खुद पढ़ने के लिए उसके अंदर ललक जागृत हो जाए, उसके अंदर उत्साह उत्साह उत्पन्न हो जाए, और वो उत्साह उत्साहित होकर खुद पढ़ना जान जाए, पढ़ना सीख जाए, पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। तो इस तरह से हमें बताना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं मानता हूं कि जो शिक्षण सूत्र थे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, मैंने एक एक करके बारे में बताया है, और जो ज्यादातर मोस्टली थे वो मैंने आपको बता दिया, इसके अतिरिक्त भी और हैं। और दोस्तों एक बार में अगर समझ में ना आए तो बार बार देखें, और मैं मानता हूं दोस्तों हाल तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।